तो अभी दोस्तों हमारा किचन का देखिए इतना सारा काम हो गया है, तो ये सारा मटेरियल अभी यूज करके बना रहे हैं। तो मेरा लाइक ठीक होगा, कहीं चाहिए फ्री साइज का मिल रहा था, लेकिन जाम मिला था हमको। नहीं सीधा बोले साइज का नहीं मिला उतना मत बोले, इसलिए बोलते थोड़ा डाइटिंग गया। दोस्तों रात के 9 बज चुका है और हमारा देखिए खाना लग गया है खाने के लिए। दोस्तों कल सागर का दादी जा रहे लाने के लिए, तो हम लोग जामतला में ही रुक जाएंगे। हमको तो लग रहा है दादी और नानी, जब मम्मी और मम्मी जब आपका शादी हुआ उसके बाद पहली बार मिलेगी ऐसा करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों सुबह 11 बज रहा है और हम लोग आ गए नया वाला घर पे, जो बंदा घर। तो अभी क्या जब तक घर पे थोड़ा आ जाते हैं, देखते हैं काम वगैरह। सरस्वती पूजा का हमारे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे सरस्वती पूजा देखते हैं हर जगह स्कूल में कॉलेज में होता ही है और बाहर भी लड़के लोग करते हैं, विद्यार्थी लोग जो करते हैं। तो हम देखिए घर पे आए हुए, तो जब आते हैं यहाँ पे तो काम अपना देखने लगते हैं, क्या काम हो रहा है क्या नहीं। कैसे तो बाहर रहते हैं पता नहीं चलता है। तो अभी देखिए मेरा काम अभी किचन का काम हो रहा है, अभी किचन में जिसको ओपन किचन बोलते हैं वही चीज हो रहा है। तो अभी दोस्तों हमारा किचन का देखिए इतना सारा काम हो गया है, तो ये सारा मटेरियल अभी यूज करके बना रहे हैं। ये सर सब कुछ यहाँ पे लगाने के लिए बनाया है, तो अभी कुछ सामान आना बाकी है, इसलिए आज तो छुट्टी है। ऐसे भी सभी लोग बाहर चले गए, देखिए कोई नहीं है, बस यहाँ का जो मिस्त्री रहते हैं जो ये सब काम करते हैं तो वो लोग यहाँ पे रुकते हैं। उनका देखिए सारा सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है, वो लोग यहीं पे सोते हैं। ये देखिए इस तरह बना दिए, यहीं पे सारा सामान वगैरह चूल्हा वगैरह सब कुछ है उनका, यहीं पे वो लोग सोते हैं। तो अभी थोड़ा बाहर गया है, तो इतना हमारा काम हो गया है और ये सब बाहर में अब जो इनका सामान लगने वाला है बस वही सब बाकी है। बाकी तो देखिए और सीलिंग का भी इतना काम हो गया है हमारा। अभी दोस्तों थोड़ा अभी फिर गाना बजने लगा, अभी यहाँ पे थोड़ा गाना बहुत ज्यादा बज रहा है, साउंड भी आप लोगों को आ रहा होगा। मतलब सुबह से आज तो ऐसे सरस्वती पूजा है, तो आज के क्या कि सारे स्कूल कॉलेज में सारे बच्चे लोग गाना बजाते ही है, तो वही अभी बज रहा है। बीच बीच में थोड़ा साउंड आ जाता होगा। चलिए किचन का भी इतना काम हमारा हो गया, इसमें भी अभी तो टाइम जाएगा, करीब 10 दिन का और काम है पूरा किचन को कम्प्लीट करने में। अभी तो ये बस ऐसे ही थोड़ा बना हुआ है, अभी इसके ऊपर जो लगेगा जो जो ये लोग बोलते हैं इसके ऊपर अभी ग्रेनाइट भी लगेगा, जो हम लोग ब्लैक वाला पसंद किए थे, थोड़ा ब्लैक और ग्रीन कलर का था वो लगेगा इसके ऊपर। और ये सारा ये तो हो ही गया है। अभी दोस्तों हम और पापा निकल चुके हैं रामगढ़ सिटी के लिए, तो अभी जा रहे हैं जो पापा पूजा में बैठेंगे धोती कुर्ता पहन के वो लाने के लिए, और कुछ पंडित जी को देने का सामान है वो सब। तो ये देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं रामगढ़ सिटी में। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ सिटी स्टाइल के पास, सिटी स्टाइल और वी-मार्ट दोनों सामने यहीं पे पहले देखेंगे, अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाएंगे। दोस्तों दुकान में तो गया रेडीमेड खोजने के लिए, लेकिन मिल रहा था लेकिन थोड़ा टाइट मिल रहा था, तो हमको फ्री साइज चाहिए था, तो नहीं मिला मेरा साइज का। तो मन किया आप सिलवा लेते हैं अच्छा मजबूत कपड़ा लेकर के, टाइम भी दे देंगे बहुत जल्दी भी दे देंगे। तो जा रहे हैं कपड़ा लेकर आते हैं, नाप ले रहे हैं इनका कपड़ा का साइज का। कुर्ता का 2.25 लीजिएगा, पैजामा का 1.75, 60 इंच का चौड़ाई जो रहता है डबल अर्स का। अच्छा डबल अर्स हाँ, वो वाला ये साइज लीजिएगा, कम वाला रहेगा तो बढ़ाता है। किसके यहाँ जाए भी बता दीजिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों अब जा रहे कपड़ा लेके आते हैं, कपड़ा तो खैर अपना चॉइस है जैसा लेना ले लेंगे। कलर तो मेरे ख्याल से पीला ही चलता है ना। हाँ पीला ऑरेंज, हाँ ऑरेंज पीला यही चलता है। तो आते कपड़ा लेके देते हैं इनको सीने के लिए। तो मेरा लाइक ठीक होगा, कि हमको चाहिए फ्री साइज का मिल रहा था, लेकिन जाम मिला था हमको। नहीं सीधा बोले साइज का नहीं मिला उतना मत बोले, फ्री साइज चाहिए इसलिए बोलते थोड़ा डाइटिंग गया। डाइटिंग तो हो ही रहा है, चावल छोड़ दिए, दोपहर खाना छोड़ दिए, सब छोड़ दीजिए, एक टाइम खाना सिर्फ। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग निकलने जा रहे हैं, वहाँ से लेके आते हैं पहले कपड़ा, फिर यही ये देखिए यही दुकान है, यहाँ दे देंगे सिलने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग बगड़िया के पास आ चुके हैं, ये रहा ये एक मॉल है, मतलब यहाँ का रामगढ़ का सबसे पुराना मॉल, हमको तो यही याद है बगड़िया, बचपन में भी हम लोग यहीं आते थे कपड़ा लेने के लिए। तो अब गाड़ी साइड में लगाते हैं और चलते हैं। कुर्ता कैसा बना? कौन कपड़ा का है? हैंडलूम कॉटन है। अभी दोस्तों ये वाला कपड़ा पसंद आ रहा है, इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छा दिया है और पीला कलर तो ज्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए ये वाला भी ले रहे हैं। दोस्तों अभी जो सामान लेना था ले लिए सारा, पापा का कुर्ता पजामा अभी सिलवाने के लिए देना पड़ेगा, तो वो बोले हैं थोड़ा जल्दी ही सिल देंगे। चलिए बहुत अच्छा है, इतना तो ले लिए सामान, अब चलते हैं वहाँ पे वही दुकान में। ये कुर्ता पजामा कैसे रखे, पैंट है सर? खाली कुर्ता के पजामा नहीं, फीता वाला है दोनों, फीता वाला रख लीजिए, लूज भी होगा तो चलेगा। पजामा लिखो, कुर्ता लिखो, 51
दोस्तों अभी बनने के लिए तो दे दिया है, अभी करीब परसों का टाइम दिया है, परसों बन के आ जाएगा, उसी को लेकर कल हम लोग निकल जाएंगे दादी को लाने के लिए। तो परसों जब उधर से लौट के आएंगे तब तक बन भी जाएगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए सीधा। दोस्तों अभी रामगढ़ से आ गए हम लोग, तो सामान तो अपन ले आए हैं और कुछ सामान और बचा हुआ है, क्योंकि ये सब सामान जानते हैं कुछ कुछ याद आता है तो उस आदमी को लाना पड़ता जा करके। तो जो जो लाए कुछ सामान घटा हुआ अभी भी, तो कल जाकर लाने वाले हैं और फिर वो कल निकलने वाले भी यहाँ से। तो हम और सागर जा रहे हैं, माँ को लेकर आते हैं वहां से। दोस्तों रात के 9 बज चुका है और हमारा देखिए खाना लग गया, चले खाने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग सब लोग खाना वाना खा लिया और खाना खा के इसे ही बिस्तर में बैठे हुए। अभी बाहर थोड़ा बारिश भी होने लगा और पापा फिर बाहर चले गए। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है और सौरभ यहाँ पे है और पापा और शुभम दोनों बाहर गए हैं। पापा ले गए उसको घुमाने के लिए, जो सरस्वती माँ का मूर्ति सारा बना हुआ था वो दिखाने के लिए लेके गए है। यहाँ बगल में तो एक ही बना था, बाकी है फिर उधर सुभाष चौक के पास में बहुत सारा उधर भी है, तो उधर वो लोग गए हैं। तो अभी क्या कि हम लोग दादी को लाने के लिए भी कल अगर निकल भी रहे हैं तो कार से, कार भैया का है जो हम लोग को लेके जाते थे घुमाने के लिए, तो उनका कार हम लोग लेके जाएंगे, पापा ही चलाएंगे, वो नहीं जाएंगे, हम पापा और शायद सौरभ भी चलेगा ऐसा करके। और मतलब दादी को लाने के लिए जाना पड़ रहा है, दादी तो ट्रेन से नहीं पाएगी, अभी उनका एज भी थोड़ा हो गया है और बाइक में भी नहीं आ पाएगी। अब बुआ का पता नहीं, वो तो दादी बोल रही कि बुआ नहीं आएगी ऐसा करके, बोल रही घर में किसी को रहना पड़ेगा, वही अभी टेंशन हो रहा, थोड़ा जाके बात करेंगे अगर चलेगी दोनों तो ज्यादा सही रहेगा। और ऐसे भी हम लोग आज अगर निकलते भी है, कल अगर हम लोग निकलते भी है तो एक दिन वहां रुक जाएंगे और फिर दूसरे दिन दादी को लेके हम लोग आएंगे 16 तारीख तक। तब तक क्या है कि नानी मामा मामी और भी लोग आ रहे हैं, वो लोग सब लोग आ जाएंगे 16 तारीख को, तो ऐसे सब लोग फिर साथ में रहेंगे। दादी हमको तो लग रहा है दादी और नानी जब मम्मी जब आपका शादी हुआ उसके बाद पहली बार मिलेगी ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो पहली बार नहीं, लेकिन अभी जामतड़ा गए हुए लगता है कि 10-12 साल हो गया तब से नहीं मिली है, दोनों साथ में नहीं हुई है नानी और तेरा दादी। तो मतलब 10-12 साल से दोस्तों अभी मिले नहीं है दादी और नानी, अब अभी आपस में मिलेंगे, संबंध क्या जी, समधीन लोग मिलेंगे। चलिए अच्छा है, अभी दोनों को भी मिलवा देंगे। दादी बोली हाँ ठीक है, हम डंटा लेके तैयार है बोली कि मेरा डंटा तैयार है, हम सब दोनों आपस में मिलेंगे। तो लोग मिलते हैं दोनों तो अच्छा लगता है, मजा आता है थोड़ा। तो ठीक है कल हम दादी को लाने के लिए भी निकल जाएंगे, अभी खाना खा लिए, अब जा रहे ट्रक में, थोड़ा ट्रक में जाके सोना पड़ता है, अभी ध्यान दे रहे, अब जाके वहां पे जब पार्किंग में लगा देंगे तब कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो दोस्तों कल हम भी जाएंगे दादी को लाने के लिए, तो एक ही दिन जाएंगे और दूसरा दिन वापस आ जाएंगे, क्या कि यहाँ पे सामान भी लाना है। दोस्तों पंडित जी बोले कि चौकी लाना है पूजा के लिए, कम से कम 6 चौकी चाहिए वहाँ पे, तो बनवाने के लिए बोल दिए हैं, तो वहाँ से लाना पड़ेगा जाके हम लोग को कल। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं, हम ट्रक के पास में आ गए, अभी जा रहे सोने के लिए। और देखिए हम रोड के जस्ट किनारे लगाते हैं और ऐसे भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और रात में आएंगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आ जाते हैं। तो अभी जा रहे जल्दी सोने के लिए और सुबह सुबह फिर निकलेंगे हम लोग। दोस्तों अभी गाड़ी को हम स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि पापा करीब 4-5 बजे के आसपास आए थे एक बार शाम में, वो गाड़ी को स्टार्ट कर लिए थे, तो बैटरी भी हमारा चार्ज है पूरा। तो अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो अभी तो यहाँ पे देखिए हम लोग इतना सारा गद्दा रखे हैं ओढ़ने वाला, तो मतलब 3-4 है, तो 2 से अभी काम हो जाता। अभी तो यहाँ कोई है भी नहीं, तो हम आराम से अकेले सो जाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। ये देखिए अभी पूरा बड़ा जगह हो जाता है, गाड़ी भी लॉक कर दी इधर से भी और इधर से भी। तो ठीक है दोस्तों अभी जा रहे हैं सोने के लिए, मिलते हैं आप लोग से सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, तो हम लोग भी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, हम लोग यहाँ से 11 बजे निकलने वाले हैं, तो जा रहे हैं माँ को लेके आते हैं। तो अगर वो कोशिश करेंगे आज वापस आ गए तो ठीक है, तो कल फिर हम लोग वापस आएंगे। तब तक यहाँ पे और सभी पूजा का काम है, सामान वाम लाना है तो लड़का लेके आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा मेरा जामतड़ा का सफर भी और जामतड़ा का भी। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।